I'm going to try this Honda CBX 500. This bike looks amazing. टॉल भी है, काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे. सीटिंग पोजीशन बहुत सही लगा इसका. मैंने जस्ट दो दिन ट्रायल लिया. तो दिस बाइक इज़ ओन्ड बाई माई फ्रेंड कॉस्तो. ही इज़ अलाउड मी टू राइड इज बाइक फॉर 50 मिनट्स, से अराउंड 45 किलोमीटर्स का राइड है. तो आई एम गोना ट्राई इट कम्प्लीटली एंड टेस्ट इट, और काफ़ी इम्प्रेसिव लग रहा है मुझे. तो लेट्स सी हाउ इट गोज. फॉर टॉलर राइडर्स आई मस्ट से दिस इज़ अ ब्यूटिफुल ADV. ओनली थिंग इसकी प्राइस की वजह से इसका सेल्स डाउन हुआ है होंडा का, क्योंकि ये कम्प्लीटली इम्पोर्ट करके यहाँ पे लाया जाता है. इसका जो इंस्टॉलेशन है पार्ट्स का, ये इंडिया में नहीं होता. तो वाओ, इसका जो पिकअप है एंड एवरीथिंग इज़ जस्ट माइंड ब्लोइंग गाइस, अमेजिंग. आई एम राइडिंग CBX 500 एज आई टोल्ड यू. काफ़ी ब्यूटीफुल मशीन है, एकदम प्योर होंडा का जो रिफाइंड इंजन का जो फील है वो आ रहा है. और बहुत तेज़ बारिश है गाइस, आई डोंट नो GoPro सेफ है कि नहीं, तो इसलिए ज़्यादा भगाऊंगा नहीं गाड़ी. आई जस्ट टेक अ नॉर्मल फील ऑफ इट. फील्स लाइक अ नॉर्मल बाइक ओनली, डोंट लुक लाइक ऐसे एकदम हाई एंड स्पोर्ट्स बाइक चला रहा हूँ. ओह माय गॉड गाइस, इट्स रियली रियली डिफिकल्ट टू व्लॉग इन दिस सिचुएशन, बट ट्राइंग माई बेस्ट. लवली फीलिंग है यार. एंड एक्चुअली ये बाइक है ना मेरे लिए परफेक्ट, इसलिए क्योंकि ये मैं 6.1 हूँ और काफ़ी टॉल स्टांस है इसका. सिर्फ हैंडल बार मैं राइज कर दूंगा ना तो सही लगेगा एकदम. ये द बाइक इज सुपरबली ब्यूटीफुल. इतना बारिश हो रहा है ना तो फ़ोन वगैरह कुछ बाहर नहीं रख सकते. ओहो, GoPro चल रहा हो और ख़राब ना हो पानी की वजह से. ब्लू टैग तो लगा दिया है बट डोंट नो, पानी अगर अंदर सीप होता है तो GoPro ख़राब भी हो सकता है. तो बेस्ट पार्ट अबाउट दिस होंडा CBX व्हाट आई लाइक इज कि इसका जो गियर रेशो है ना वो बहुत सुपर डिज़ाइन किया कंपनी ने. तो एट फोर्थ गियर ऑल्सो मैं ऑलमोस्ट 30 के स्पीड पे हूँ. डजेंट फील द नीड टू यू नो डाउन शिफ्ट. सेम गियर पे भी बाइक पिकअप ले लेता है, तो गियर रेशो इज़ जस्ट ब्रिलियंट. तो वी आर राइडिंग स्लो ओनली गाइज. होपफुली रोड्स भी ख़राब होंगे तो फिर प्रॉब्लम ना हो. गाइज, वन थिंग आई मस्ट से अबाउट दिस बाइक इज़ कि ये बाइक में जो पिकअप एंड पावर डिलीवरी तो अमेजिंग है. 6 गियर पे भी देर इज़ नो वाइब्रेशन और दैट नॉकिंग व्हेन आई एम एट अ लोअर स्पीड. एंड जो इसका जो ब्रेकिंग है वो मुझे इम्प्रेसिव नहीं लगा थोड़ा, मतलब जो बाइट चाहिए वो नहीं चाहिए. मे बी बिकॉज ऑफ द रेंज ऑल्सो कि ब्रेकिंग स्लो ही हो गया होगा. तो कंटिन्यूसली दोनों ब्रेक दबाओगे साइमल्टेनियसली तो ही आपका बाइक स्टॉप होगा. तो या बाकी तो बाइक का जो माउंटेन पे पिकअप है वो सब अमेजिंग है. आई एम राइडिंग विद अ पिलियन ऑल्सो, तो भी मुझे वैसा जो स्ट्रेन बाइक का इंजन पे आता है वो नहीं लग रहा है बिल्कुल भी. ऑफ कोर्स इट्स अ 500 cc बाइक, फुल्ली रिफाइंड इंजन बाय होंडा. तो लवली टू राइड दिस. छोटा सा वाटरफॉल भी हो गया यहाँ पे और रिवर तो आप देख रहे हो, बारिश की वजह से भर गया है काफ़ी. तो या सो फार इन लव विद दिस मशीन. बट ओनली थिंग इज, अगर होंडा इसको थोड़ा प्राइस कम कर देता तो डेफिनेटली ये मार्केट में बहुत सारे बायर्स खरीदते हैं बाइक. आई एम डैम श्योर अबाउट इट. उन्होंने 500 cc 8.5 लाख में लॉन्च की थी, तो आई थिंक इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव फॉर अ 500 cc बाइक. बाकी जो इसमें फीचर्स है आई डोंट थिंक सो इट्स मच, बिकॉज एक सामने LCD है, उसमें गियर एवरेज किलोमीटर्स और इंजन टेम्परेचर और टाइम यही दिखा रहा है और फ्यूल बेसिक इन्फॉर्मेशन ही है. आई डोंट नो इफ दिस बाइक हैज़ अ ट्रैक्शन कंट्रोल और राइड बाय वायर. क्लच तो इसका बहुत स्मूथ है, तो शुड बी अ स्लिपर क्लच. एंड बेस्ट थिंग इज़ द इंजन गाइस. होंडा का इंजन जो है वो नो डाउट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंजन्स इन द वर्ल्ड. एंड एज आई टोल्ड यू पिलियन के साथ तो बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कि देयर इज अ पिलियन. एंड इसका जो रियर टायर है ना वो भी काफ़ी बड़ा है, ह्यूज है, तो ग्रिप भी अच्छा ले रहा बाइक. जो बाइक का जो अपहिल क्लाइंबिंग कैपेसिटी है ना गाइज विद अ पिलियन इज अमेजिंग. मतलब लाइक आई एम नॉट रियलाइजिंग कि पिलियन बैठा है. एंड गियर शिफ्टिंग भी देखो फोर्थ में है एंड आई जस्ट शिफ्टेड इट डाउन टू 3. इट्स
टेकिंग इट अप वेरी स्मूथली गाइस, वेरी स्मूथली, ज़रा भी नॉकिंग नहीं हो रहा। होंडा का इंजन इतने स्लो स्पीड पे भी ब्यूटीफुली परफॉर्म कर रहा है। आई मीन लव विद दिस इंजन यार, एक्चुअली मतलब सुपर्ब। एंड पीछे ईशान जेड 900 का एग्जॉस्ट नोट अगर आ रहा हो तो इग्नोर। तो या वी आर गोइंग बैक ऑन द सेम रूट जहाँ से हम लोग आए थे, उज्जैनी अखाड़ा रिवर की तरफ। तो वहाँ पे मैं ये रिव्यू कर रहा हूँ होंडा CBX 500 का। गाइस ब्रेक्स थोड़ा पुअर है, बाकी जो इसके सस्पेंशन है एज इट शुड बी फॉर एन EDV मुझे काफ़ी पसंद आया, इम्प्रेसिव है। ज़्यादा भी सॉफ्ट नहीं है, इट इज़ ऑन एन एवरेज आई वुड से सॉफ्ट एंड बीच में, समवेयर इन बिटवीन अ सॉफ्ट एंड अ हार्ड सस्पेंशन। तो वो भी मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगा एज अ फीचर इन दिस बाइक।